बॉलीवुड में कॉर्पोरेट बुकिंग का खेल शुरू हो चुका है। एक नई फिल्म रिलीज हुई है बॉलीवुड की, वो वर्सेस कल की 2898 एडी। आज 24वां दिन है, वहीं दूसरी तरफ 23वें दिन पर क्या बड़ा बेंचमार्क क्रिएट किया है। और आज इन दोनों ही फिल्मों की तुलना अगर की जाए, यानी कि कल की वर्सेस जो बॉलीवुड की फिल्म है, दोनों के बारे में मैं आपको कुछ शॉकिंग ट्रूथ बताने वाली हूं कि बॉलीवुड किस तरीके से काम कर रहा है, कॉर्पोरेट बुकिंग कैसे चल रही है, उसका पर्दाफाश करेंगे। साथ साथ में समोसों की तो भैया खैर नहीं, समोसों की क्लास लेनी भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये आकर के जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त पर समोसे कर क्या रहे हैं वो भी आपको बताती हूं इस वीडियो में। वीडियो का इंटरव्यू देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग अपने पूरे चरम पर आ चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल के दिन पर बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बैड न्यूज, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकली, क्योंकि इस फिल्म में ना तो कहानी है, ना तो सॉन्ग्स हैं, ना तो कोई डायलॉग्स हैं, ना तो एंटरटेनमेंट है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल पैसे की बर्बादी, केवल और केवल पूरी तरीके से एक्सपोज करती हुई उनकी एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, और कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। कई सारे रिव्यूज भी मैंने देखे, कई सारे क्लिपिंग्स भी मैंने देखे इस फिल्म के, और सोशल मीडिया पर जब जनता आकर बात करती है, अपने दिल की बात करती है, तब पता चल जाता है कि एक्चुअली फिल्म में कितना दम है। हमको पता है कि जब इसकी फर्स्ट जो सीरीज है वो रिलीज हुई थी गुड न्यूज, उसने बेंचमार्क काफी हाई सेट कर दिया था, काफी बड़ी स्टारकास्ट थी, वर्सेस जो अब फिल्म आई है, बिल्कुल टुच्ची सी फिल्म आई है जिसके टुच्ची सी स्टारकास्ट है, उसमें तृप्ति डिमरी का केवल और केवल कपड़े उतरवाए गए हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या ऑडियंस को सिर्फ यही सब देखना होता है? आपको यहाँ पर एक रियलिटी चेक बता देती हूँ कि ऑडियंस जो है, आज के टाइम की मास ऑडियंस जो है, उसको बॉलीवुड ये शायद समझ के बैठा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को देखने के लिए आएंगे, उसको देखने के लिए अपना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन इस वक्त पर वो ये भूल चुके हैं कि ऑडियंस चाहे मासेस बेल्ट की हो या क्लासेस बेल्ट की हो, अच्छा कंटेंट देखने आएंगे। और बॉलीवुड की तो भैया खैर नहीं है, बॉलीवुड का तो बुरी पूरी तरीके से लोगों का के आंखों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है कि इन्होंने किस तरीके से पहले शुरू से सनातन धर्म के ऊपर फिल्में बनाई और उसको एक तरीके से डिफेम किया। अभी कल्कि को लेकर के, इतनी बड़ी इतनी अच्छी पॉजिटिव फिल्म को लेकर के एक नेगेटिव कैंपेन चला करके बैठे हुए हैं, साथ साथ में समोसों को पीछे छोड़ रखा है। लेकिन तरुण चाचा ने जो परसों एक फ्लिट डाला था, एक जो स्प्रे डाला था, उससे छोटे मोटे कॉकरोच जो हैं जितने भी निकल निकल के सारे भागे हैं। कि मेरा स्टेटमेंट नहीं है, गिरीश जौहर जी का स्टेटमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगा था मुझे लगा था कि भाई ये बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि सोचिए ना, बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स जो पहले से इस काम में हैं, वो भी इस बात को समझते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि ये समोसे हैं दोनों, इन दोनों ही समोसों ने गंदगी फैला रखी है, और इन्हीं दोनों समोसों ने कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम को भी अंजाम देने में पूरी की पूरी अपनी जान लगा रखी है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे चल रहा है। कॉर्पोरेट बुकिंग को अपने आप में कहा जाता है कि वो बुकिंग जिसमें किसी बड़ी कंपनी जो कि फिल्म को एंडोर्स कर रही है, या किसी एक्टर की ब्रांड एम्बेसडर जिस कंपनी का है, वो उस फिल्म की टिकट्स खरीद लेती है बल्क में, 1000 टिकट्स, 500 टिकट्स ऐसे खरीद लेती है, और उसके बाद यहाँ पर उसको दिखाया जाता है कि भैया फिल्म देखो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर चल रही है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये फिल्म है करण जौहर की फिल्म, और करण जौहर के पास कॉर्पोरेट बुकिंग की कोई कमी नहीं है। छोटी से छोटी कॉर्पोरेट भी अगर आके 1000 टिकट्स भी बुक कर लेती है, तो आप सोच सकते हैं कि कलेक्शंस में कितना बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और उससे भी पहले जो बड़ा जंप देखने को मिलेगा वो दिखाई देगा बुक माय शो पर। अब सुनिए असली कहानी, यहां से स्टार्ट होती है। बुक माई शो एक ऐसी ऐप है जो सबसे पॉपुलर है, जहां पे हम टिकट्स बुक करते हैं, हमको पता चलता है कौन सी नई फिल्में आई हैं। और अभी इस वक्त पर अगर आप बैड न्यूज को ओपन करके देखेंगे, वो फिल्म जिसका हर बंदे ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, वो फिल्म जो किसी रिक्शा चालक को भी पसंद नहीं आई, वो फिल्म जो स्कूल के बच्चे को भी पसंद नहीं आई, उस फिल्म का इस वक्त पर बुक माई शो ऑरेंज नजर में आएगा। देखिए, यहां पर जो नेगेटिविटी वाले हैं वो ये बोल सकते हैं कि मैडम जब कल्कि का ऑरेंज था तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके पीछे का बेसिस क्या है, मेरे ये बोलने का, इल्जाम लगाने का क्या बेसिस है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कल्कि के बारे में अगर हम बात करते हैं, आज अपने 24वें दिन पर है, अभी भी 8 से 9 हजार टिकट्स बुक हो रही है एक घंटे में, वर्सेस बैड न्यूज जो अपने दूसरे दिन में है, जो कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू चल रही है, उसके 10 हजार टिकट्स बुक हो रहे हैं हर एक घंटे में बुक माई शो पे। अब सुनिए असली कहानी। इस वक्त पे अगर आप सैकनिल जैसी वेबसाइट को खोल करके देखते हैं, सैकनिल क्या बताती है हमको, बताती है ऑक्यूपेंसीज, और ये ऑक्यूपेंसी मैनिपुलेटेड नहीं होती है। आप कल्कि की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जरा ध्यान से अगर देखेंगे सैकनिल पे, आपको साफ साफ तौर पर दिख जाएगी कि कल्कि की 24वें दिन की ऑक्यूपेंसी आज की हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी है करीब करीब 16%, 16.25%, अभी आफ्टरनून अपडेट नहीं हुई है, लेकिन 16.25 16% जो है ये मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दर्ज हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम जितने ऑरेंज हमारे को, जो मैं आपसे कह रही हूँ 8000 टिकट्स बुक हो रही हैं,
ये नजर आने चाहिए किस तरीके से, ये मैं आपको ये भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर हम बुक माई शो ओपन करते हैं, कल की ओपन करते हैं, तो हिंदी 3D की अगर आप यहाँ पर देखो, एक तो शो काउंट्स ही काफी कम कर दिए हैं, और ये देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑरेंज दिख रहा है, ज्यादा ऑरेंज नहीं है, शो काउंट्स भी काफी कम है, लेकिन 16% की इसकी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की आई। अब आप देखो बैड न्यूज ने क्या किया है, यानी कि इस नेक्सस वुड ने क्या किया है। नेक्सस वुड की फिल्म का आज के दिन की ऑक्यूपेंसी इसी सैकनेट पे अगर मैं आपको दिखा दूं दूसरे दिन पे आ रही है कितनी, 13%, 13.3%, कल की से 3% कम, 13.3%। अब आप इसका बुक माई शो खोलकर देखो, इसी फिल्म का बैड न्यूज का बुक माई शो, ये देखो यहाँ पे, ये भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कोई मुझे समझाएगा कि अगर इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी केवल 13% की थी, कल की से इतनी कम थी, तो इतनी ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज गिरी कैसे हो रही है, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये मैथ्स कैसे पॉसिबल है कि पूरा बुक माई शो ऑरेंज पड़ा है लेकिन ऑक्यूपेंसी 13% की कल की से कम है। अब आप समझ सकते हैं अंदाजा, मैंने आपको तथ्यों के साथ बताया है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेक्सस वुड किस हद तक गिर सकता है और ऑडियंस को कहां तक बेवकूफ बना सकता है, कहां तक मैनिपुलेट कर सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार अपने ही दुकान की मिठाइयां खाना शुरू कर देता है, चखना शुरू कर देता है, ये देखकर कि आसपास के लोग जो है वो सोचते हैं अरे इसकी दुकान की मिठाई बहुत बढ़िया होगी, चाहे उसके अंदर जहर क्यों ना मिला हुआ हो, लेकिन वो एक कोशिश करता है उसको देखकर। कई चार लोग और मिठाई खरीदते हैं, उन चार लोगों को देख के और 10 लोग खरीदते हैं, और इसी तरीके से सबके पास जहर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या रेपरकशन होती है, उसके बाद जो भी उसके ग्राहक हैं उनकी तबीयत खराब होती है, उनका पेट खराब होता है, और आप सोचिए कि यहाँ पर तो सालों से यही चल रहा है, यहाँ पर तो डेकेड से यही चल रहा है कि पहले बताया जाता है, भूमिका ये बनाई जाती है कि फिल्म की टिकट्स खरीदो खरीदो, देखो कितनी फिल्म चल रही है, और उसके बाद लोग ये सोचते हैं, परसेप्शन बन जाता है कि इस फिल्म का तो कोई, ये तो अनस्टॉपेबल है, इसका मतलब भाई बहुत ही बढ़िया फिल्म होने वाली है। लेकिन जब दर्शक फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सबको गालियां देते हुए निकलते हैं और बोलते हैं कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो इस फिल्म की टिकट्स खरीद रहे थे, हमें तो पूरा का पूरा थिएटर खाली दिखाई दिया। और ये आज की बात नहीं है, ये हम देखते आए हैं पिछले 2-3 सालों से, जब से ये एक्सपोजेस होने शुरू हुए, थिएटर पूरा खाली, लेकिन आप देखेंगे बुक माई शो पूरा का पूरा हाउसफुल दिखाई दे रहा है, पूरा फिलिंग फास्ट दिखाई दे रहा है। ये घपला जो है ये कब से और कैसे शुरू हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये वो दौर था जब केवल साउथ की फिल्में चल रही थी और बॉलीवुड के हाथ कांपने लग गए थे, जड़ें कांप गई थी कि कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे। अब जरा सोचिए कि इतना कुछ चल रहा है और यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में जो है देखिए क्या बिजनेस करती है। अब सुनिए समोसों की कहानी, समोसों ने क्या किया, इसी पूरे के पूरे जालसाजी में समोसों का क्या योगदान है। आप देखिएगा कि जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, इधर उधर किसी से बातचीत करते हैं, तो उस इंसान की जो प्रेफरेंस होगी वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए आज के समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टर्म निकला है कि इन्फ्लुएंस करने वाले लोग जो बाकी जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी तरीके से, ये जो फेक समोसे हैं इन समोसों ने यही दुकान चला रखी है। इन्होंने कल से आका की फिल्म को 3.5-4 स्टार दे डाले, उस फिल्म के ऊपर पूरी थ्योरी बना डाली, समोसे ने सुमित ने तो अपनी वीडियो भी डाल दी कि इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स कहानी है, मतलब क्या ही बढ़िया कहानी है, ऐसा कुछ बताया कि फिल्म आप देखेंगे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन जो बाकी ट्रेड है सबका एक मत में आवाज है कि ये फिल्म घटिया फिल्म है, ये फिल्म एक डिजास्टर फिल्म है, इससे ज्यादा वाहियात फिल्म नहीं हो सकती। लेकिन समोसे लगे हुए हैं, समोसे लगे हुए हैं चाटुकारिता में, और एक तरीके से एक नैरेटिव सेट करने वाले हैं, कर रहे हैं कि ये फिल्म आज के दिन पर तो भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेंड कर रही है, आज तो डबल डिजिट ले आएगी। मैं आपको बता दूं ये वही समोसे हैं जिन्होंने डे वन ओपनिंग प्रेडिक्शन करी थी 12-15 करोड़ की इसी फिल्म की। आप सोच सकते हैं कि कितने उथले पानी में रहते हैं, कितने शैलो हैं, इनको केवल 4 समोसे मिल जाएं, केवल पोस्टर पे नाम आ जाए उतना ही काफी है, उसके बाद इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो निकलते हैं इनके आका के लिए। और आका का क्या काम है कि इन समोसों को छोटे मोटे समोसे भेजते जाओ, छोटे मोटे समोसों में ही ये काफी खुश रहते हैं। इस वक्त पर आप जरा ये सोचिए कि इस फिल्म का कोई एक भी जना ऐसा नहीं है जो मेरे वर्ड जो मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे फैमिली रिलेटिव्स में किसी ने इस फिल्म के बारे में अच्छा बोला हो, इस फिल्म को बोला हो भाई जाओ जाके इस फिल्म को देखो, वर्सेस हम जब कल्कि की बात करते हैं। मैं यहाँ पर कल्कि की बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि एक लंबे समय से प्रभास के खिलाफ जो नेगेटिविटी चल रही थी उसको लेकर के मैं बोलना तो चाहती हूँ। साथ साथ में अब कल्कि अपने 4th वीक में एंटर करने वाली है, सोचिए इस वक्त पर भी इस तरीके का इस फिल्म का बना हुआ है, हवा बनी हुई है कि अभी भी लोग जाकर मुंह से बोलते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को फिल्म रेकमेंड करते हैं। तो भैया जब कोई अच्छी मेहनत से काम करता है, दिल से काम करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको पूरे दिल से सपोर्ट करें। और जो उनके खिलाफ नेगेटिविटी कर रहे हैं ना यार,
उनकी तो खुद ही पोल खुल चुकी है, अब उनका क्या ही बचा, क्या इज्जत बची है समाज में, जब कल्कि के मेकर्स ने ही इनको 25 करोड़ का जुर्माना इनके ऊपर ठोक डाला। सोचिए कि जब ये कुछ होगा, जब ये रियलिटी में होगा तो क्या होगा। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये जो आवाज उठी कल्कि के मेकर्स की तरफ से, ये एक कोलैबोरेटिव वॉइस थी, इट वॉज यूनानिमस एंड इक्विवोकल वॉइस, की भाई सब लोग एक साथ बोलना चाहते हैं कि ऐसे समोसों को तो चिंदी नहीं मिलेगी, ऐसे समोसों को एक पैसा नहीं मिलेगा जिन्होंने एक एक्टर, अभी यहाँ पे कल्कि की बात तो करेंगे, कल्कि बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन विद्युत जम्वाल जैसे एक एक्टर ने इनकी पोल खोल के रख दी सोशल मीडिया पे, और उसके बाद और पोल इन्होंने अपनी खोली उस बंदे को ब्लॉक करके। इतना दम नहीं है समोसे में कि अपना कॉमेंट सेक्शन ऑन करे, हमेशा इसका कॉमेंट सेक्शन ऑफ रहता है, तो जरा सोचिए डर किस हद तक है। और ये भी जानते हैं कि अब ये पकड़े जा चुके हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें केवल और केवल अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ेगा। इट्स अ ह्यूज थिंग। सो नाउ आई टोल्ड यू कॉर्पोरेट बुकिंग कैसे काम कर रही है, कॉर्पोरेट बुकिंग नेक्सस कैसे चल रहा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट सुन करके जाइए, वो ये कि कभी भी जब आप बुक माई शो पर कुछ देखते हैं, अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, अनयूजुअल फिल्म आपने सुना घटिया है लेकिन बुक माई शो बहुत जबरदस्त चल रहा है, हमेशा चेक कर करके जाइए। हमेशा इस तरीके से जो ट्रेड वेबसाइट्स हैं, सबको पता है कौन सी हैं, दो चार वेबसाइट्स आप सोशल मीडिया पर या गूगल पर डालेंगे आ जाएंगी, वो वहीं पर आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो आपको दिख जाएगा, ऑक्यूपेंसीज बता देंगी कि एक्चुअली उस फिल्म में कितना दम है, और ऑक्यूपेंसीज जो है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती हैं। तो अब जरा सोचिएगा इस बात को कि बॉलीवुड किस तरीके से लगा पड़ा है। अभी तो देखो वीकेंड स्टार्ट हुआ है, अभी कल्कि का भी आज 24वां दिन है, मुझे पूरा पूरा तरीके से पता है कि शाम तक बहुत जबरदस्त कलेक्शन कल्कि करने वाली, 600 करोड़ यार क्रॉस हो चुका है इन इंडिया नेट। अगर हम बात करते हैं सैकनिल के ही डेटा की, तो भैया आज या कल में 1000 करोड़ पूरा होने जा रहा है, जिस 1000 करोड़ को लेकर शुरू में इन समोसों ने बहुत नेगेटिविटी करी थी। शेम ऑन दीज समोसा क्रिटिक्स, लिटरली शेम ऑन देम। आपको क्या लगता है कि आज क्या कर सकती है कल्कि, और इस कॉर्पोरेट बुकिंग पे आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।